हरी पर के गांव में टूटने की जा रही थी, जो कि बहुत ज्यादा गरीब थी। और अब उसने बड़े अरसे बाद दो अंडे दिए थे और खुश थी, क्योंकि अंडे भी खूबसूरत थे और उसने पहली बार देखे थे। तो वो सोच रही थी कि इनसे बच्चे निकलेंगे और वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। मगर उसे पता नहीं था कि मौसम भी बाहर खराब है। बाहर मौसम खराब होता है, टूटनी सोचती है कि क्यों ना इस तूफान में मैं अपने घर को पकड़ लूं और इस तरह मेरे अंडे बच जाएंगे, क्योंकि मकान कच्चा था और इसके गिरने का खतरा था। तो वो अंडों को छोड़कर इसलिए बाहर जाने का फैसला करती है कि मैं बाहर जाऊंगी और बाहर तूफान से अपने घर को पकड़ कर बचा के रखूंगी। वो बाहर चली जाती है, लेकिन तूफान बहुत ज़्यादा होता है और घर को नहीं संभाल सकती, जिसकी वजह से घर उलट जाता है और तबाह हो जाता है, और इसकी वजह से उसके तमाम अंडे भी टूट जाते हैं। वो बहुत रो रही होती है और सोचती है कि अब क्या करूं। तो वो फैसला करती है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी और एक नई उम्मीद के साथ दूसरे गांव का रुख कर लेती है और उसे बहुत ज़्यादा ढूंढती है कि कोई घर मुझे मिल जाए। टूटनी बेचारी वहाँ से आ जाती है और इधर एक नया घर ढूंढ लेती है, जो कि बिल्कुल उसके पिछले की तरह था। वो बहुत इंतज़ार करती है कि कभी अंडे दूंगी और उनसे बच्चे निकलेंगे, और आखिरकार उसकी ये उम्मीद पूरी हो जाती है और उसने दो अंडे भी दे दिए होते हैं। कुछ अरसा वो उनको कोड़े के नीचे रख दिए और अब उससे बहुत ही खूबसूरत बच्चे निकल आते हैं, और अब उसकी उम्मीद पानी लेकर आती है कि मैं इनको बुढ़ापे में अपना सहारा बनाऊंगी। लेकिन अब भी उसे पता नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। ये तो कुदरत का निज़ाम है, जहाँ अल्लाह के नेक और अच्छे बंदे और अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले लोग होते हैं, वहाँ लालची खुदगर्ज और जालिम लोग भी होते हैं। इसी तरह औकात भी जालिम था और वो कवे से हर वक्त कहता कि गांव में जो भी चिड़िया कोई बच्चा दे या अंडा दे, तो अंडे से निकलने वाले बच्चे फौरन मेरे पास लाए जाए। और वो उन बच्चों का गलत इस्तेमाल करता था, उनको खाने के लिए इस्तेमाल करता था और दूसरे मुल्क में बेचता था, और दूसरे मुल्क बेच कर वो खूब नफा कमाता था और अपने खजाने में जमा करता था। और वो बहुत ज़्यादा जालिम था। आज भी उसने कवे से कहा कि जाओ और गांव का मना करके लाओ कि कोई बच्चा तो पैदा नहीं हुआ। कवा अपने आका यानी औकाब के कहने के मुताबिक हर घर में चक्कर लगाता है और बच्चे ढूंढता है। कौवा घर घर में दाखिल होकर उनके बच्चे हासिल करता है, और वो इस चिड़िया से भी कह रहा था कि तुम्हारे ये बच्चे बादशाह मांग रहे हैं और तुम इनके हवाले कर दो, तो वो चिड़िया बच्चों को उसके हवाले कर देती है। इस तरह एक एक करके उसके पास बहुत सारे बच्चे जमा हो जाते हैं और वो बहुत खुश होता है। लेकिन एक घर रह जाता है और उसके सामने होता है और कहता है कि इस घर में भी चक्कर लगा लिया जाए, हो सकता है कोई बच्चे मौजूद हों। अगर बादशाह सलामत ने चक्कर लगाया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। तो वो उस घर में भी दाखिल हो जाता है। जब वो अंदर आता है तो वो देखता है कि टूटनी के जो दो अंडे थे उनसे अब बच्चे निकल आए हैं। उसने अंडे भी दे दिए और अब उसमें दो खूबसूरत बच्चे निकल आए हैं, एक नर था और एक मादा। कवा टूटनी को कहता है कि बादशाह सलामत ने कहा है कि ये बच्चे हमारे हवाले कर दें, ये हमारे काम आएंगे। लेकिन टूटनी उसको कहती है कि मैं ये बच्चे किसी सूरत पर भी तुम्हें नहीं दे सकती, ये मुझे बड़ी मेहनत से मिले हैं, पहले अंडे दिए फिर बच्चे निकले हैं, मैं ये बादशाह सलामत को नहीं दे सकती और अपने बादशाह को जाकर कह दो। कौवा उसे कहता है कि शराफा से तुम ये बच्चे दे दो, वरना बादशाह सलामत बहुत जालिम है और वो तुम्हें सजा देंगे। टूटनी कहती है जाओ जाओ बादशाह को कह दो कि मैं बच्चे नहीं देने वाली, किसी शर्त पर भी नहीं देने वाली। कौवा अपने मालिक के पास वापस आ जाता है और कहता है कि मैंने पूरे गांव से बच्चे हासिल कर लिए हैं और मैंने रजामंदी के साथ दे दिए हैं, लेकिन टूटनी चिड़िया के यहाँ दो बच्चे पैदा हुए हैं और वो देने से इनकार कर रही है और कहती है कि बादशाह सलामत को मैं किसी सूरत पर भी अपने बच्चे नहीं दे सकती, बादशाह सलामत बहुत जालिम है, मैं अपने बच्चे उनको नहीं दूंगी। तो इस पर बादशाह सलामत बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहता है कि उसे बुला कर लाओ। कौवा भी टूटनी चिड़िया के घर आ जाता है और कहता है कि बादशाह सलामत तुम्हें बुला रहे हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि शराफत से अपने ये बच्चे दे दो। बादशाह सलामत बहुत गुस्सा है और उन्होंने सख्ती से तुझे बुलाया है, अब मुझे पता नहीं कि वो तुम्हें क्या सजा देने वाले हैं।
उन्होंने कहा है कि टूट ने खोद लिया है और अपने बच्चों को भी साथ ले आए, तो चलो मेरे साथ बादशाह ने तुमको बुलाया है। बादशाह सलामत और टूट नीचे गया, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और बादशाह सलामत टूटने से कहता है कि मैंने कावे को भेजा तुम्हारे पास कि तुम्हारे बच्चे वापस लाए, मेरे पास लाए, लेकिन तुमने उसे मना कर दिया, आखिर तुम ये बच्चे हमें क्यों नहीं दे रही। तो फिर टूटने से कहती है कि बादशाह सलामत उसके लिए माजरत, असल में ये मैंने बड़ी मुशक्कत से दिए हैं और ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मैं ये आपको नहीं दे सकती। तो बादशाह सलामत उससे कहता है हम ऐसा करते हैं, एक सौदा कर लेते हैं, मैं तुम्हें एक बच्चे के अवल 10,000 अशरफियाँ दे सकता हूँ और दो के लिए 20,000 अशरफियाँ दूंगी, इससे तुम्हारा बुढ़ापा अच्छा गुजर जाएगा। टूटने की लालच में आ जाती है और कहती है कि मुझे सौदा मंजूर है, 20,000 अशरफियाँ मेरे जीने के लिए काफ़ी होंगी और मैं बुढ़ापे के वक्त इनको इस्तेमाल कर लूँगी, ये मेरे बच्चे ले लो। फिर बादशाह सलामत उसके दोनों बच्चे ले लेता है और फिर वापस अपने महल की तरफ वापस आ जाता है और टूटनी अपने घर की तरफ चली जाती है। बादशाह सलामत पूरा गांव बच्चों से खाली हो चुका है, गांव के तमाम बच्चे आपके हवाले हैं, कर दिए गए हैं और आप ये बताएं कि आप इनका करेंगे क्या। बादशाह सलामत ये कहता है कि कावे मियां आपको पता नहीं कि ईरान के साथ हमारा एक मुआहदा हुआ है कि हम अपने गांव के बच्चे उनको देंगे और वो हमें इसके अवल दौलत देंगे, तो इससे हमारे खजाने में भी इजाफा होगा और हम अमीर हो जाएंगे, तुम्हें ये पता नहीं क्या। कावा कहता है कि बादशाह सलामत ये तो जुल्म वाला काम है, अब माँ से उनके बच्चे छीनेंगे तो वो बद दुआएं देंगे। तो काब कहता है कि अरे दौलत के लिए कुछ भी किया जा सकता है, हमारा मुल्क अमीर हो जाएगा और हम अमीर हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो और निगरानी रखो कि गाँव में कोई और बच्चा तो रह नहीं गया। कावा कहता है कि जी बच्चा, लेकिन ये जुल्म का काम है और इससे अलग अलग बहुत नाराज होते हैं। तो काब कहता है कि तुम्हें कोई गुनाह नहीं होगा, तुम ये मुझे छोड़ दो, खुदा मुझसे पूछेगा तुमसे नहीं पूछेगा, तुम बस अपना काम करो जो तुम्हारा जिम्मे लगाया गया है और नजर रखो कि कोई चिड़िया अंडा दे और उसे बच्चे निकले तो फौरन उसे मेरे पास लाओ। कवा क्योंकि गुलाम था तो उसने बादशाह को कहा कि जी सलामत मैं आपका हर हुक्म मानूंगा। तो दोस्तों सटोरी बनाने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में भी इस तरह के जालिम चीज और औकाब रहते हैं जो कि हमारे बच्चों का खून चूसते हैं और हमारे बच्चों को हमारी माँ से जुदा करते हैं, तो हमें उनसे मोहताज रहना चाहिए और उनके सामने डट कर खड़ा होना चाहिए। सटोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।